फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द बैंक्स। सो फाइनली सम ऑफ द गुड रिलीफ दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द बैंक्स। सो उसको यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस अपडेट एंड फ्रेंड्स चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड मोर ओवर यू कैन सपोर्ट अस, आप हमें और सपोर्ट कर सकते हैं। So this is the official notification that we are going to share here. Official notification, friends, आप देख सकते हैं। So you can see following new schemes are being introduced here. That is first point is being made to the ex gratia. So you can see here, friends. So please like the video and channel को यहाँ पे subscribe, friends, जरूर कर लेना। So let's start. द फॉलोइंग स्कीम क्या इंट्रोड्यूस करी गई है बाय द बैंक एंड हम आशा करते हैं अदर बैंक्स भी यहाँ पे ऐसे ही स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दैट्स अ गुड मॉनिटरी बेनिफिट दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड। सो फॉलोइंग न्यू स्कीम दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, फर्स्ट इज द एक्स ग्रेशिया टू द पेंशनर्स एंड द फैमिली पेंशनर्स ड्रॉइंग द नेट मंथली पेंशन लेस देन 10,000 एंड नॉट कवर्ड अंडर एक्स ग्रेशिया पेंशन ऑफ 1986 रिटायरीज टू मेक इट ₹10,000 पर मंथ। सो यही है एक्स ग्रेशिया की अनाउंसमेंट। सेकेंड है न्यू वन टाइम एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹5,000 टू रिटायरीज हु कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ एज, जिन्होंने 75 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे कंप्लीट करी है। सो उनको वन टाइम एक्स ग्रेशिया बैंक दे रहा है, न्यू वन टाइम एक्स ग्रेशिया ₹5,000 टू रिटायरीज हु हैव कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ एज। सो ये बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। उसके बाद अगर आप देखें, सो दिस होल स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी रिटायरीज हैं उनके लिए है। स्टाफ वेलफेयर कमेटी की जो मीटिंग 16th of October 2024 को हैपन हुई है। सो फॉलोइंग टू न्यू स्कीम्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, फर्स्ट इज एक्स ग्रेशिया टू पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स ड्रॉइंग नेट मंथली पेंशन लेस देन 10,000 एंड न्यू वन टाइम एक्स ग्रेशिया और ₹5,000 टू रिटायरीज हु हैव कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ एज। सो उसके बाद कुछ और अपडेट्स हैं इम्पॉर्टेंट। सो ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से, जो कि एफिलेटेड है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन को, सो उन्होंने स्टाफ वेलफेयर कमेटी मीटिंग में, अदर्स भी हैं, सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द पेंशनर्स, सो लेट चेक इट आउट क्या है वैसे। सो एंटीनियल चेकअप फॉर फीमेल एम्प्लॉयज इम्प्रूव टू ₹6,000, कैंटीन सब्सिडी इम्प्रूव टू 300 पर मंथ फॉर 1st November ऑनवर्ड्स, स्कीम्स फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस टुवर्ड एडुकेशन ऑफ वार्ड इम्प्रूव्ड विद मोर एलोकेशन फॉर सब स्टाफ एंड क्लरिकल्स, अंडर मेडिकल क्लीनिंग स्कीम द डॉक्टर एंड कंपाउंडर चार्जेस आर इंक्रीज्ड, तो वो इंक्रीज हुए हैं। सो स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू PWD एम्प्लॉयज इम्प्रूव्ड, स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू PWD वार्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज इम्प्रूव्ड, एडिशनल होलीडे होम टू बी ओपन एट गुवाहाटी, शिलोंग, द्वारिका, मैंगलोर एंड सोमनाथ। सो फ्रेंड्स एंड फॉलोइंग न्यू स्कीम्स इंट्रोड्यूस, तो ये दो स्कीम्स जो इंट्रोड्यूस हुई हैं एक्स ग्रेशिया टू पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स ड्रॉइंग नेट मंथली पेंशन लेस देन 10,000 सो एंड नॉट कवर्ड अंडर एक्स ग्रेशिया, सो पेंशन ऑफ 1986 रिटायरीज टू मेक इट ₹10,000 पर मंथ, न्यू वन टाइम एक्स ग्रेशिया ₹5,000 टू रिटायरीज हु कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ एज। एंड इसके बाद एक और इसमें एडिशन है दैट इज रीइंबर्समेंट फॉर वैक्सीनेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज ₹2,000, सो क्लेम विल बी परमिटेड फॉर 2 चिल्ड्रंस। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो दैट वी हैव टू शेयर हेयर फ्रेंड्स। सो न्यू वन टाइम एक्स ग्रेशिया मुझे कहीं ना कहीं ठीक लगा एंड जो 10,000 जिनकी पेंशन कम है उनके लिए एक्स ग्रेशिया बैंक दे रहा है सो दैट दे कैन ड्रॉ अप टू 10,000 पर मंथ। सो आई थिंक द बैंक इज टेकिंग केयर ऑफ द एम्प्लॉयज दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अदर बैंक्स को भी ऑन द सेम लाइन्स समथिंग गुड ऐसे ही करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड।
और हम इसे फेस्टिव ऑफर की जो लाइंस हैं उसके ऊपर भी रेफर कर सकते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन सम ऑफ द मॉनिटरी बेनिफिट्स दैट द बैंक इज ग्रांटिंग टू द प्रीवियस एक्स एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक, सो दैट्स अ क्वाइट पॉजिटिव अपडेट. अनदर अपडेट दैट वी हैव टू कवर हेयर इन दिस दैट इज द रिलेशन टू द सीनियर सिटीजन्स. सो फ्रेंड्स एज यू नो दैट जो GST है फॉर द सीनियर सिटीजन्स वो कि 18% पड़ता है हमें ऑन द लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस. बेसिकली वी विल सी द हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस तो सीनियर सिटीजन उनको जरूरत पड़नी ही पड़नी है इन एनी ऑफ द सिचुएशन. सो इसी के चलते अभी GST की जो मीटिंग होने वाली है जो कि उन्होंने सबमिट रिपोर्ट करनी है बाय अक्टूबर के 30th को, तो उसमें एक प्लान चल रहा है अभी टू सबमिट रिपोर्ट बाय अक्टूबर 30. जो GST की काउंसिल है उसमें एक प्लान है अभी जो हेल्थ इंश्योरेंस की फॉर द सीनियर सिटीजन GST है उसको कम करा जाए या उसको निल करा जाए. सो वी डोंट नो क्या होगा. और जो GST यहाँ पे लॉस होगा उसको अदर आइटम्स के ऊपर कवर करने की कोशिश है. सो एंटायर एक्सरसाइज वुड लीड टू रेवेन्यू गेन, और जो गेन होगा वो 22,000 करोड़ का होगा. एंड दिस वुड एक्चुअली हेल्प कवर द रेवेन्यू लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस एग्जेम्पशन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप है एज पर अस. सो GST जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स के ऊपर भी है अप टू 20 लीटर्स एंड अबव, वो भी 5% करने की यहाँ पे सुजेशन है फ्रॉम 18%. सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होगा, बट वी आर क्वाइट, मैं यहाँ पे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ बिकॉज सीनियर सिटीजन्स के लिए जेन्युइनली दिस गवर्नमेंट इज़ वर्किंग. यहाँ पे जो हेल्थ प्लान हुआ था पहले इंट्रोड्यूस, सो दैट आल्सो हैज हेल्प्ड, दैट इज़ अप टू 5 लाख. एंड नाउ द अगर GST रिड्यूस होता है ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट, बिकॉज जो प्रीमियम्स हैं वो ऑलरेडी फ्रेंड्स 40 to 50,000 है नॉर्मल फॉर द सीनियर सिटीजन्स बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर, और वो 18% तो मीन्स 8 से 10 हज़ार का यहाँ पे कम हो जाएंगे प्रीमियम. सो प्रीमियम यहाँ पे अगर 25 to 30,000 रह जाते हैं सो दैट विल बी बहुत अच्छी प्रीमियम हो जाएगी, अप टू 3 to 4 लाख का सम शॉर्ट मिल जाएगा. सो दैट विल डायरेक्टली हेल्प द पेंशनर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. सो काइंडली शेयर द अपडेट फ्रेंड्स, एंड चैनल को फ्रेंड्स यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना. सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.